दिखाते हैं, राब वगैरह कैसे यहाँ बनाते हैं और क्या क्या रखे हैं, बहुत सारी आइटम दिख रहे हैं। भैया हमारा गुड़ देसी रहता है, उसमें कोई मैंने एसिड प्रयोग और एसिड नहीं, कोई नेचुरल प्रयोग, सब देसी रहता है, उसमें कोई हम बाहरी बमंडल वाला सामान नहीं डालते। केवल क्या क्या रखते हैं? अब ये सादा सिरका, बना सिरका, गैस वाला सिरका और ये अचार कुछ और मुरब्बा वगैरह है। ये बना सिरका, गैस वाला सिरका, तो देखिए इसमें कलर भी तरह रंग में भी ये लाल है और ये ना एक ढक्कन हम पीले ना बेहिचक हम। अच्छा। भैया फोटो कैमरा करा, एक ढक्कन आओ, हम चैलेंज लेंगे कि ये 100 नहीं 101% का चैलेंज लेंगे इस सिरके का। गन्ना डाल गया। अच्छा, ऐसे गन्ना डाला जाता है। अच्छा, गन्ना इसमें डाल देंगे। फिलहाल हम ये बताएंगे कि कैसे कुछ यहाँ पर सिरका बनता है और क्या होता है सिरका, क्योंकि सिरका को बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो इधर हैं वो जानते होंगे कैसे सिरका बनता है, घरों में बनाया जाता है और गाँव में बनाया जाता है, लेकिन हर किसी को बनाने भी नहीं आता है। तो क्या कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि सिरका अचार मुरब्बा जैम जेली आदि के निर्माता सब कुछ यहाँ पर मिलता है। यहाँ तक कि इन्होंने लिख रखा बवासीर की सफल दवा भी मिलती है, ये दवा भी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दुकान के जो ओनर हैं, जो यहाँ के हैं, कब से चला रहे हैं आप दुकान, आपका पहले नाम बता दीजिए। भैया हमारा नाम राम नारायण चौधरी, ग्राम सहारनपुर, पोस्ट डेल्हवा, जिला बस्ती है। अच्छा, डेल्हवा से हैं आप जी? और घर हमारा उधर है, धंधा यहीं हाईवे किए हुए हैं। अच्छा, ये कब से आप कर रहे हैं? भैया 18 साल से हम सिरका बना रहे हैं। 18 साल से सिरका बना रहे हैं, और मतलब कैसे ये शुरू किया आपने, सबसे पहले आपने यहाँ शुरू किया या कैसे क्या? यहाँ से बहुत से लोग शुरू किए थे, हमारा सिरका जो हम भी करीब घर पर 18 साल से हुआ करते, हम प्राकृतिक सिरका बनाते हैं जो घरों पर पड़ता, बिना दवा वाला सिरका। एक सिरका आपने सुना होगा कि जो मिलता है बाजार में मिलता है सिंथेटिक सिरका उसको बोलते हैं एक तरीके से, वो आर्टिफिशियली कुछ केमिकल वगैरह से मिला के बनाते हैं, एस्टिक एसिड जो होता है बोला जाता है सिरका, और ये सिरका जो नेचुरल घरों में बनाया जाता है वो यहाँ पर बनता है, और सब कुछ आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पे सब कुछ है आपके पास बनाने के लिए। हमारा सिरका नेचुरल होता है, इसमें कोई दवा कोई एसिड का प्रयोग नहीं, देसी धूप से तैयार वाला। गन्ना का रस पेरते हैं, उसका छनाई करके फिर ड्रम में रखते हैं, उसका हर 15-20 दिन हम छनाई करते रहते, ऊपर कचड़ा साड़ी बन कर निकलता है तो उसको हम निकालते रहते हैं, और करीब 4 से 5 महीने में हमारा सिरका तैयार हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक वो वाला दुकान है, वो भी आपका है? हाँ जी है, वो हाईवे के उस साइड देखिएगा, चौधरी देसी सिरका, वहाँ भी लिख रखा है। यहाँ भी एक दुकान है और एक दुकान वहाँ है, 3 दुकान है आप? जी सर। अच्छा, तो 3 दुकान मतलब ये अलग अलग कैसे? हाँ, जैसे पहले एक में थी तो थोड़ा बीच में सामंजस्य नहीं बैठा तो दुकानें अलग अलग हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिरका है और क्या क्या आप है कैसे बता दीजिए। भैया सिरका है, मुरब्बा है, आंवला का मुरब्बा है, आंवला का कैंडी है हमारे पास। भैया ये फोटो कैमरा आ जाएगा, हमारे पास एक सबसे बेहतरीन गैस वाल का एकदम रामबाण सिरका बना हुआ है। अच्छा, गैस में और शुगर भी नॉर्मल करेगा, शुगर भी नॉर्मल करेगा। अच्छा, ये मतलब कोई डॉक्टर से कैसे कंसल्ट? डॉक्टर से नहीं, हम खुद अपने अनुभव से बनाए हैं और करीब 1000 लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं, खुद हम अपने शरीर पर खा करके अनुभव किए हैं, और उसके बाद 1000 लोग इसका अनुभव कर चुके हैं खाकर। अच्छा, ये भी सिरका गन्ने से ही? गन्ने से तैयार। हाँ, इसमें हम कुछ ऐसा मटेरियल डाले हुए हैं जो हाजमा का काम करता है। अच्छा। हाँ, इसी सिरके में हम कुछ मसाले ऐसा पीस कर डलाए हैं जो हाजमा का बहुत बढ़िया काम कर रहा है और शुगर में भी काम कर रहा है। तो क्या ना कितने का ये मिलता है? ये भैया हमारा 50 रुपये का आधा लीटर। 50 रुपये का आधा लीटर। यहाँ पे लोग खरीदते हैं या बाहर के लोग आते हैं? ना, बाहर को लोग भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। लोकल, लेकिन ज्यादा पहले गांव में बनता था, अब नहीं बनाते लोग ज्यादा? हाँ, पहले जो गाँव में बनता था वह सिरका पथरी और शुगर जब बनता था वह सिरका, तो ना गैस का नाम था, ना शुगर का नाम था, ना पथरी का नाम था। अब सिरके से लोग ना वो प्राकृतिक सिरका तैयार हो रहा है, अगर तैयार हो रहा है तो सिरका खाने वाले लोग नहीं हैं, इसी वजह से गैस बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, पथरी बढ़ रही है, क्योंकि दवा के रूप में भी मतलब ये काम ये करता दवा का हम चैलेंज लेंगे कि ये 100 नहीं 101% का चैलेंज लेंगे इस सिरके का। अच्छा। हाँ, तो किसी को अगर आना हो तो सिरका खरीद सकते हैं, पेट का, पेट को तो वैसे भी सिरका फायदा पहुंचाता है। भैया या हम पहले प्रैक्टिकल कराएंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तब हम आगे उनको देंगे, नहीं तो हम कहेंगे भैया 50 रुपये का आधा जी। भैया जी, कीमत इससे ज़्यादा पड़ जाती है क्या? नहीं, हमारा उसमें कुछ नमक दाल रोटी भरे हमारा निकल जाता है बस।
जी। ये इतना दुकान खोल रखे हैं तो बिक्री उक्री होती है? अरे हो जाता है भैया, अनुमान पर चलता है, धंधा अनुमान का है। हाँ मतलब कितना लगभग इनकम हो जाता है? तो नहीं होगा, कभी 100 रुपये का बिका, कभी 1000 का हो गया, कभी 500 का है, अनलिमिट है। अनलिमिट मतलब ज्यादा की भी बिक्री हो जाती है? अरे हो जाती है भैया, अनलिमिट है यार। दुकान वाले भी ले जाते हैं? नहीं दुकान वाले नहीं है, बस ऐसे रोड पर चलने वाले लोग। रोड पे चलने वाले लोग। और क्या क्या रखते हैं आप? अब ये सादा सिरका, बना सिरका, गैस वाला सिरका और ये अचार कुछ और मुरब्बा वगैरह है। ये बना वाला सिरका जिसमें आम कटहल तो ये मसाले सब डाले जाते हैं। आम पड़ा हुआ है, कटहल पड़ा हुआ है और धनिया मिर्चा मेथी और सारे चीज़ डाल करके सिरके में। और ये मतलब घर में बड़े आराम से खाने के साथ बेहिचक प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे आपने लिख रखा है वहाँ पे गुड़ पितर पितुरा, गुड़ पितुरा राब, दिखाइए वो लिख रखा है। प्रैक्टिकल आप फोटो कैमरा उधर से कर लीजिए, आपके आंखें सामने है भैया बन रहा है। अच्छा राब बन रहा है, राब आपके, अभी हम दिखाते हैं राब वगैरह कैसे यहाँ बनाते हैं। और क्या क्या रखे हैं? बहुत सारी आइटम दिख रहे हैं भैया। हमारा गुड़ देसी रहता है, उसमें कोई मैंने एसिड प्रयोग एसिड नहीं, कोई नेचुरल प्रयोग, सब देसी रहता है उसमें। कोई हम बाहरी मंडल वाला सामान नहीं डालते, केवल छनाई करके हम गुड़ तैयार। सिर की दवाई भी रखते हैं? हाँ आप रखते हैं। मतलब थोड़ा वो किस तरीके की दवाई? वो है जड़ी बूटी वाली है। जड़ी बूटी? हाँ जी। आपके घर में ही जी है जी। अच्छा और ये क्या है? ये सादा सिरका भैया। अच्छा अलग अलग सिरका है? हाँ, सादा सिरका, सिरका बना सिरका, गैस वाला सिरका। सादा सिरका, बना सिरका, गैस वाला सिरका। दो देखिए इसमें कलर भी अतर है, रंग में भी ये लाल है और इसमें आम ओम सब मिला है तो बना सिरका हो गया। और ये गैस वाला सिरका क्योंकि इसमें कुछ चीजें इनको इन्होंने ऐड की। आप बताएंगे नहीं लेकिन कि इसमें क्या मिला हुआ है? नहीं बताएंगे। इसमें हम काला नमक, मेथी, सौंफ, अजवाइन, सूखा आंवला, हर्रे बढ़िया वाला हींग, ये भूज कर पीस कर डाले हुए। बहुत सारा आइटम इन्होंने गिरा दिया, फिर से बता दीजिए। एक काला नमक, मेथी, सौंफ, अजवाइन, सूखा आंवला, हर्रे बढ़िया वाला हींग। लेकिन आपने जैसे राज खोल दिया, इसका क्या क्या आपने डाल दिया? अब ऐसे कोई बना ले तो? बना ले तो मात्रा उसको नहीं अनुमान है, मात्रा हमको अनुमान है, मसाला ना, ना, ना वो जान जाएगा, मात्रा नहीं जान पाएगा। तो मात्रा का मतलब कुल खेला है? हाँ जी। मात्रा अगर सही नहीं रहेगा तो नहीं, उतना फायदा नहीं करेगा, नुकसान कर जाएगा। जी भैया नुकसान नहीं करेगा। नुकसान भी होता है? नहीं नुकसान नहीं होगा, अगर प्राकृतिक सिरका है, नेचुरल सिरका है, उसका नुकसान कोई है ही नहीं। अच्छा सिरका कितने दिन तक खराब होती है? हम करीब 10 साल का चैलेंज लेंगे। 10 साल चल जाता है ये सिरका? देखिए हमारा सिरका। अच्छा ये आपका सिरका? जी किसी नहीं, नहीं अब दूसरे का हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा आप दिखाइए आप कैसे गन्ना उन्ना। अच्छा गन्ना कहाँ से लाते हैं? एक तो प्रैक्टिकल हो जाए तब आगे बढ़ा। माना एक ढक्कन हम पी ले ना रे बेहिचक हम। अच्छा भैया फोटो कैमरा करा, एक ढक्कन आओ। नहीं बस बस नहीं नहीं एक ढक्कन हमारे कहने से। अरे मेरे ठीक है। अरे नहीं आप खुद बखान करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आप फोटो कैमरा करिए भैया। भैया आप ले लीजिए वो कैमरा करा। नहीं वो नहीं ले, वो बना रहे हम। अरे दोनों लोग बराबर हो जाएं भाई। नहीं नहीं वो नहीं लेंगे बाबू, कोई बात नहीं। हाँ तो मतलब ये गन्ना जैसे ये खेत है, ये खेत आपका ही है? नहीं हम यहाँ पर खरीदते हैं, खरीद लेते हैं। 2 महीने का उधारी हमको मिल जाता है, 2 महीने बाद हम पेमेंट दे देते हैं। 340 का गन्ना हम खरीदते हैं। मतलब कितना यूज हो जाता है, कितना प्रयोग? करीब 25 क्विंटल 20 क्विंटल डेली हम पेर लेते हैं। डेली जी 25 क्विंटल डेली गन्ना ये पेरते हैं। बताइए कि आप देखिए यहाँ पे सारा मशीन है, ये दिखाइए। हमारे पास 8 कार्यकर्ता हैं जो लेबर का काम कर रहे हैं। हाँ इस समय तो आज नया है, लेबर 8 हैं। ये पूरा 8 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 8 लोगों को रोजगार भी आपने? जी भैया जी भैया। तो इधर अलग अलग प्रोसेस से बन रहा गन्ना का खेत वो है, गन्ने के खेत से गन्ना आ जाता है और गन्ना को यहाँ रख देते हैं छिलवा के, पहले छिलवाते हैं फिर रख देते हैं। हाँ लोग अपना गन्ना छिलवा कर लाते हैं, हम धर्म कांटे पर तौलाते हैं, वहीं पर हमारे क्रेशर पर गन्ना गिर जाता है। आप बताइए शुरू से कैसे गन्ना का पेराई होता है, फिर सिरका कैसे बनता है? अब भैया गन्ना क्रेशर आप देख रहे हैं, क्रेशर पर ये देखिए, ये थ्रेसर है, ये मतलब गन्ने का पहले इसमें डालते हैं गन्ना, क्रेशर में डाला गया। हाँ। और रस बना दिया। बस यही गन्ना डाल गया। अच्छा ऐसे गन्ना डाला जाता है। अच्छा, गन्ना इसमें डाल देंगे। हाँ। और ये घूमेगा। हाँ, और रस निकल जाएगा। हाँ ये तो थोड़ा तो पहले यहाँ पर हम छनाई करेंगे, इसमें जाएगा उसके बाद उस यहाँ से भैया, उसके बाद हम रस वाली टंकी में छनाई करेंगे।
रस उस टंकी में छाना जाएगा। इसमें गन्ना डालेंगे, गन्ने यहाँ से रस निकलेगा और इस पाइप के माध्यम से उसमें चला जाएगा, रस वाली टंकी में चला जाएगा। हाँ। और फिर वहाँ से पाइप द्वारा कड़ाहे में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये चलता है, मशीन है, यहाँ से गन्ना का रस जो है इसमें आता है, यहाँ पर आता है और यहाँ से पाइप लगा हुआ है। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप यहाँ से जा रहा है इस साइड में, ये पाइप यहाँ पर आ गया, इसमें आ गया, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ना। हाँ, हाँ भैया, कड़ाहे में आ गया। अच्छा, कड़ाहे में आ गया। अब ये कड़ाहे में क्या होता अब है? यहाँ पर हम रस यहाँ पे भी छान करके तब टंकी में रखते हैं जिसमें से सिरका बनता है। अच्छा, इसमें से रस छान लेते हैं और फिर टंकी में ले फिर टंकी में डाल देते हैं। टंकी आपका दिखाते हैं, दिखाइए। तो अब टंकी देखते हैं, इसमें रस आ गया। अब इसको टंकी वहाँ पे देखिए, टंकी रखी, वही सारी टंकी है? हाँ हाँ, वही सब टंकी है। अच्छा, दिखा दीजिए एक बार ना, ये कितनी टंकियाँ होंगी लगभग? हो करीब 25-30। तो ये टंकी है 25-30। और ये बड़ा और छोटा कैसे टंकी है, मतलब समझ में नहीं आया इसमें। भैया ऐसा है कि पहले हम रस 2 क्विंटल वाली टंकी में डालते हैं ताकि हाथ नीचे तक पहुंच जाए, कचड़ा इसमें भी बैठता है। तो इस पर हमें जब रस शुद्ध हो गया और साफ हो गया 10 दिन के बाद, तो हम उठा करके 5 क्विंटल वाली टंकी में डाल देते हैं। अच्छा, इसमें रस जब शुद्ध हो गया कितने? तो 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद फिर इसमें डाल देते हैं ताकि इसमें कचड़ा ज्यादा ना बैठे, क्योंकि क्विंटल का है? 5 क्विंटल। 5 क्विंटल और ये 2 क्विंटल, 200 लीटर। 200 लीटर का ये टंकी है, 500 का ये टंकी है। और इसमें से इसमें डालते हैं, 15 दिन हो जाता है तब। अच्छा, ये किसी महीने विशेष में बनता है या हमेशा बनता है? नहीं, हमेशा नहीं है। फरवरी से हमारा सिरका फरवरी से मार्च अप्रैल तक पेराई करके रखा जाता है। फरवरी से मार्च अप्रैल तक ये बनाते हैं आप, पेराई करके नहीं डालते, इसी की वजह से हैं। और जो लोग सिंथेटिक सिरका बना रहे हैं वो लोग अपना स्टॉक फुल कर लिए, तो डायरेक्ट वहाँ से लाते हैं और इसमें रख देते हैं। और अच्छा, ये इसको खोलते भी हैं? हाँ, खोल दीजिए जरा, देखिए इधर आइए, ये खोलना है। ये सिरका अभी रखा हुआ है, इसमें बिक चुका है, इसमें बिक चुका है। अच्छा, ये सिरका है, ये साड़ी ऐसे 15-20 दिन बनता रहता है। इस साड़ी मतलब क्या होता है? ये कचड़ा ऊपर आ जाता है। अच्छा, कचड़ा ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये मतलब ऐसे सब में इसी कलर का रहेगा, फिर कलर चेंज होगा? हाँ, कलर पहले पीला होगा, ऊपर लाल में, थोड़ा लाल में परिवर्तित हो जाएगा। कितने दिन में ये लगभग? एक सिरका लगभग 4 से 5 महीने बाद हमारा सिरका तैयार होता है, क्योंकि पार्ट बड़ा है। 4 से 5 महीना ऐसे रख देंगे तो तैयार हो जाएगा? हाँ, बीच बीच में 15-20 दिन पर छनाई होती रहेगी, ऊपर कचड़ा जो निकलेगा। अच्छा, मतलब ऐसे रखा रहेगा, सड़ेगा और उसी में होता रहेगा, फर्मेंटेशन बोलते हैं, प्राकृतिक जो फर्मेंटेशन होता है उसी के माध्यम से ये सिरका तैयार हो जाता है। अच्छा, इसमें जो जैसे दूध से दही बनती है तो उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, इसमें किस तरीके के होते हैं? उसी में भी बैक्टीरिया आपसे आप बन जाते हैं भैया, प्राकृतिक गुण होते हैं, तो खटास में परिवर्तित हो गया, वही खटास में होता है तो दिखता भी होगा, तो निकाल नहीं। हाँ, वही साड़ी है, वो दिखता नहीं है, और दिखेगा कहाँ। लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब गांव में एक प्रचलन होता है कि अगर कोई सिरका बनते हुए देख ले तो खाएगा नहीं। खाएगा नहीं, बाकी उसका जो प्रयोग करेगा वह एकदम औषधि के काम करेगा। मतलब जो प्रयोग करेगा वो तो औषधि का काम करेगा जैसे? हाँ, वो एक जो गगरी में बनती थी गांव पर सिरका, वो जब सिरका खाया जाता था तो न पथरी का नाम था, न गैस का नाम था, न शुगर का नाम था, कोई किसी बीमारी का नाम नहीं था। तो लगभग जो शराब बनता है वो भी लगभग प्रोसेस अलग होता है, लेकिन मतलब ये सबका तरीका, सब सड़ाने वाली प्रक्रिया, सड़ाने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये मतलब अभी कितना दिन हो गया रखे हुए? नहीं भैया, अभी रखे नहीं, पिछले साल का है। ये पिछले साल का अभी रखा हुआ? अभी हमारा 1 महीने फरवरी से शुरू करेंगे रखना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।